ये भाई साहब हमारी एक वीडियो थी कल दीदी वाली। तो ये हमारी दीदी हैं, बड़ी परेशान हो रही थी। इनका क्या है कि इनके कोलिग ने कॉल कर लिया है और ये अपने आप को बहुत पाक साफ बता रही हैं। पता नहीं पाक साफ हैं या नहीं, वो तो खैर अलग मैटर है। तो मैंने इनको लिखा था, हाय दीदी, जीजा जी नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मतलब इनके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया था या फ्रेंड का, जो भी हो। तो वो बड़ा तू तू करके बात कर रहा था गाँव की भाषा में। मैंने उसको श्लोक सुना दिए थे हमारे जो होते हैं गालियों वाले। उसके बाद मैंने लिखा, दीदी आप मुझसे नाराज़ मत होना, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने कोई गलती की हो तो हाथ जोड़ लिए मैंने। दीदी आपसे ज़रूरी बात करनी है, कल फ़ोन कर लेना। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिससे आपकी बात हुई है। आप प्लीज़ मेरा नंबर डिलीट कर दो कर दो। मैंने कहा एजेंसी का एड्रेस दो। मेरे पास दिन से बहुत कॉल आई, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो जॉब ही नहीं करती। भाई मैं जॉब ही नहीं करती, मैं स्टडी करती हूँ। पगली रुलाएगी, बिना मतलब आपने मेरा नंबर डालकर वायरल कर दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं कल बात करेंगे। भाई प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो। मैं कौन सी वीडियो, आपके चक्कर में मेरी इज्जत जा रही है? तो जी इनकी इज्जत होती है और कस्टमर की कोई इज्जत नहीं होती। ये लड़की है, इसकी इज्जत है। हमारी जो घर में लड़कियां होती हैं, हमारी माँ हमारी बहन, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। आपकी लड़ाई किसी और से है, मेरे ऊपर बिना मतलब आई है। मैंने कहा जो कस्टमर सुसाइड कर लेते हैं वो। भाई यार सुन तो लो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा रिलेटिव को फ़ोन करोगे? मैंने तो किसी से भी बात नहीं करी यार, मेरे नंबर से मैं क्यों करूँगी? पर्सनल नंबर है वो भी। मैंने कहा मेरे पास स्क्रीनशॉट है कॉल के। मैं भाई मैंने नहीं की, मैं बैठ देता हूँ। कह रही है चाहे आप आवाज़ मैच करके देख लो, मतलब मैं यहाँ पे इनकी आवाज़ मैच करने बैठा हूँ। मैंने कहा मेरी वो, हाँ वही कह रही है, मेरी आवाज़ सुन लो और वीडियो वाले की आवाज़ मैच करको, बहुत डिफरेंट है। फिर मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा है, इसमें ये दिखा रहा है 20 तारीख को, 20 नहीं पता नहीं, टुडे मतलब कल की कहानी है ये, 22 तारीख थी। इनकमिंग कॉल्स 5 मिनट 42 सेकेंड। उसके बाद अरे भाई मैंने नहीं की, आवाज़ मैच कर लो मेरे से उसकी, मुझे आपकी एजेंसी या लड़की चाहिए। फिर ये इसकी कॉल आई, मैं उठा नहीं पाया, पता नहीं क्या दिक्कत थी। फिर मैंने लिखा, मैडम हमें इस नंबर से कॉल आया था, चाहे किसी ने भी किया हो, आप हमें उस लड़की को पकड़वा दो या एजेंसी की डिटेल दो। हमें यह पता करना है कि आपको हमारे रिश्तेदार को कॉल करने की अथॉरिटी किसने दी? क्या आपको नहीं लगता कि आप हमें धमका रहे हो? RBI को साइड में रख के मैं आपसे कल बात करूँगा। आपको शायद नहीं पता, हम आपके एयरटेल के नंबर का एड्रेस भी पता कर सकते हैं और शायद आपको आपके घर आकर सरप्राइज़ भी दे दें। फिर मैंने इसको वीडियो के कुछ है ना 9 पॉइंट बना के भेजे हैं कि मुझे इसका जवाब देना। इसमें वीडियो का समय है 2 मिनट 9 सेकंड पे, वरना आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल जाएगा। तो जी आप ऑथराइज हो कॉन्टैक्ट पे कॉल करने के लिए? और हो तो किसने ऑथराइज़ किया आपको? सेकंड पॉइंट, अगर मैं बंदे भेजूंगी तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो जी इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि आप बंदे भेजते हो तो बेइज्जती कराते हो हमारी, तो आप ऑथराइज हो हमारी बेइज्जती करने के लिए? थर्ड ऑप्शन, नशा करने वाला हमसे बकवास कर रहा है। तो जी मैं नशा करूं या कुछ भी करूं, तेरे से क्या मतलब है, तू कौन होती है? ठीक है। फोर्थ ऑप्शन था, मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। तो जी आप यहाँ भी बताओ, आपको किसने अथॉरिटी दी मम्मी पापा से बात करने की? पांचवा पॉइंट, अबे ओए नशेड़ी के जेडी, रिश्तेदारों में कॉल जाएगा तो कल ठिकाने आ जाएगी। तो जी ये हमें यहाँ हमें धमका रही है कि हमारे रिश्तेदारों को कॉल कर देगी। तो जी यहाँ भी हमें जवाब चाहिए कि आपको ऑथराइज किसने किया हमारे रिश्तेदारों को कॉल करने के लिए। छठा पॉइंट था, ये रिकॉर्डिंग तेरे रिश्तेदारों पे भी जा सकती है। तो जी आपके पास पहले तो नंबर कहाँ से आए? अगर हम उसमें सिंक कर देते हैं तो कंपनी आपको ब्लैकमेल करने के लिए देती है हमारे नंबर, कब क्यों कैसे? ठीक है। सातवां पॉइंट, मुंह पे रैपट मारूंगी। तो जी आप होती कौन हो रैपट मारने वाली? क्या ये पैसा आपका पर्सनल है? क्या RBI नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो आप मुंह पे थप्पड़ मारोगे? आठवां पॉइंट था, तेरी औकात नहीं है। तो जी मेरी औकात का तुम्हें क्या करना? क्या तुम्हें अपनी बहन भी आनी है मुझसे जो मेरी औकात देख रहे हो? नौवां पॉइंट था, तेरे बाप से बात करती हूँ। तो जी बाप से बात करने का आपको पहली बात तो नंबर कहाँ से आया, दूसरी बात आ भी गया तो आपको अथॉरिटी है मेरे बाप से बात करने की? मैंने फिर नीचे लिखा, इन सबका जवाब चाहिए, कल तैयार कर लेना।
अरे भाई, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है आपसे, मेरी बात ही नहीं हुई आपसे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मुझे वह लड़की चाहिए या एजेंसी। भैया प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो, अभी भी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। फिर मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा ट्विटर का, इसमें ये धमका रहे हैं, ओके तेरी बहन बेइज्जती कर देता हूँ, तेरी इज्जत लूट लूँगा, पता नहीं क्या क्या उलझल उलझुल। और एक और स्क्रीनशॉट भेजा था वहीं से, आपका ट्विटर से, अपने बाप को रोड पे बिठा दे भीख मांगने के लिए, बहन के लोड़े अपनी माँ को भेज दे, तेरा बाप चोर दल्ले तू भी चोर। तो जी, ये इतनी उलझुल बात करने की अथॉरिटी ने देता कौन है? आप हमें ये जवाब दो, ठीक है? अगर आपके पास हमारे रिश्तेदारों के कांटेक्ट चले गए तो आप हमें धमकाओगे फिर? अरे तो भाई, मैं थोड़ी ना हूँ, मैंने तो आपसे कुछ किया ही नहीं, मैंने तो आपकी बात ही नहीं हुई है। आपकी आवाज़, आपको आवाज़ में डिफरेंस तो दिखा होगा, किसी के चक्कर में मैं पिस रही हूँ। मैंने कहा फिर इसने जवाब दिया, मैं धमकी देती हूँ, जॉब ही नहीं करती, मैं जॉब ही नहीं करती, मैं नहीं धमकी देती। मैंने आपको बोला है ना वीडियो डिलीट कर दो, मैं कैसे भी करके पता लगा के आपको बता दूंगी। फिर मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा है, एक अमित यादव नाम का बंदा है इंदौर में, जिसने इन्हीं ऐपों के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया, अपने 2 बच्चों को और बीवी को चाय में जहर पिला दिया, फिर उसके बाद खुद ने सुसाइड कर लिया। ये मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा है। उसके बाद, अरे भाई वीडियो डिलीट कर दो, मेरे को क्यों बोल रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा नंबर आपका और चला कोई और, बात हजम नहीं होती। आपने मेरे को बोला था कि मैं वीडियो प्राइवेट कर रहा हूँ, मैंने कहा सहेली का नंबर दो, अब आपने अनप्राइवेट कर दी। मैंने कहा कर तो दी थी, मतलब मैं यहाँ अनजान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कह रही है मैंने बोला है ना आपसे बात करवा दूँगी, मैं दिखाऊं सब मैसेज सबके अभी तक भी आ रहे हैं। मैंने कहा दिखाओ भाई, यही कर दो रिक्वेस्ट है, मैंने दिखाओ। फिर इसने किसी का स्क्रीनशॉट भेजा है, हमारे किसी बंदे का, तो और बहुत गलत गलत मैसेज भी आ रहे हैं भाई, मेरे को तो एटलीस्ट परेशान मत करो, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, बिना वजह मैं फंस गई। मैंने कहा अपनी सहेली का नाम बताओ, इसने नाम बता दी नहीं। मैंने कहा डॉन है क्या वो? फिर कह रही है मैं आपकी बात कल करवा दूंगी, आप पूछ लेना, मगर पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दो, बहुत मैसेज आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बिना बजाय मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपकी कैसे भी बात करवाऊंगी कुछ भी करके उन लोगों से जिसने आपको गलत बोला, बट आप मुझे साथ तो गलत मत करो। उन लोगों से जिसने आपको गलत बोला बट आप मेरे साथ तो गलत मत करो, भैया प्लीज़ डिलीट कर दो। मैंने इसको 2 और भेजी जिसमें ये गलत बोल रहे हैं, मोबी केक वाले एजेंसी तो वही होगी। अरे भैया मेरे को क्यों भेज रहे हो? मैंने कहा आपको पता है ये कितना गलत बोलते हैं ग्राहक को? मैं थोड़ी काम करती हूँ यार भाई, मैंने कॉल नहीं की, प्लीज़ मेरा नंबर डिलीट कर दो, मैंने आपको बोला है कि मैं आपकी बात करवा दूँगी, आप सुन ही नहीं रहे। तो बंदी रोने लगी, कहने का मतलब, मैं अगर आपने नहीं धमकाया तो अपनी सहेली के खिलाफ़ शिकायत क्यों नहीं करती कि आपके नंबर से ग्राहकों को क्यों धमका रही है? भाई मेरे को क्या पता था मेरे नंबर से ये सब हो रहा है, मेरे नंबर से वायरल, मेरा नंबर ऐसे वायरल होगा पता होता तो मैं क्यों देती? तो वह आपका नंबर तुम्हें देगा ही, कोई अपना नंबर किसी को थोड़ी देता है, कुछ हजम नहीं हो रहा। मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा नंबर वहाँ पर कैसे पहुँच गया, ऐसे कोई किसी को अपना नंबर थोड़ी ना देता है। अरे भाई उसने फ़ोन मांगा था, मैं वॉशरूम गई थी, उसने आपसे बात की होगी, मेरे को नहीं पता, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने खुद यूट्यूब पे सुनी है बात, जब आवाज़ पहचानी है कि कौन है कौन, यूट्यूब का लिंक भी किसी ने दिया है मेरे को, दिन से कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहती हो, आपके घर पे कॉल करी? जब तुम जॉब नहीं करते तो घर पे ही होगी, सीधी सी बात है। मैं परेशान हो गई हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जवाब दो भाई, मेरी बात तो समझ लो यार, मैं कह क्या रही हूँ। उस फिर मैंने लिखा उसने कॉल आपके घर पे किया है मोबीक्विक के ऑफिस से, मतलब रिकवरी एजेंसी से, किसी से भी, बट मैं वो नहीं हूँ, ये बात श्योर है, मैं बता रही हूँ आपको, ओके आपको लड़की से मतलब है ना, मिल जाएगी। मैं कहा हजम नहीं हो रहा, दाल में कुछ काला। अरे भाई मैं नहीं हूँ ये लड़की, या तो तुम खुद मोबीक्विक में हो, रिकवरी की जॉब करती हो, मैंने लिखा, या तो तुम खुद मोबीक्विक में रिकवरी का काम करती हो, आवाज़ भी तो सुनी है आपने मेरी, डिफरेंस तो देखा होगा आपको आवाज़ में, मैं मान गया, लेकिन कॉल कहाँ से आई?
बंदी कह रही है पहले आप वीडियो डिलीट करो, मैं बता दूंगी सारी चीज़, प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो। मैं अभी बताऊंगी, कहती हाँ तो कर दूंगा, अभी बताऊंगी डिलीट कर दो वीडियो आप, बट मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं वेट कर दी, और अब कुछ ऐसा बताना जो हजम हो जाए। फिर कह रही है भाई प्राइवेट करी है, डिलीट नहीं करी। मैं इतना काफ़ी नहीं है क्या, पहले कुछ हजम होने वाला बताओ, डिलीट भी कर दूंगा। भाई लड़की हूँ मैं, मेरी इज्जत है, ग्राहक की। मैंने लिखा मैं ग्राहक की इज्जत नहीं होती क्या जो उसकी बदनामी कर देते हो? तो लिख रही तो भाई मैं थोड़ी ना हूँ बोलने वाली, मैं स्टडी करती हूँ भाई। मैं कहा मैं तो नंबर जानता हूँ, अब सच्चाई बताओ, कल ही मैंने उस ऑफिस में ज्वाइन किया। यहाँ देखो दोस्तों, पॉइंट करने वाली बात है कि कह रही कल ही ज्वाइन किया, अभी नीचे बोलेगी 4 दिन हुए हैं। फिर मैंने लिखा अगर वीडियो डिलीट करनी है तो मेरी फ्रेंड के थ्रू, अच्छा मतलब ये कहना चाह रही है मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू जॉब ज्वाइन की है। उनका ऑफिस कहाँ है? कह रही मैं वॉश रूम गई थी, मेरी फ्रेंड ने मेरे से फ़ोन मांगा था, वो मैं लोकेशन दे दूँगी ऑफिस की, एड्रेस मेरे को भी नहीं पता। मैंने कहा आप कुछ हजम हो रहा है, सैलरी कितनी है? मेरे को नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं। मैं आई तो फ़ोन मेरे पीसी के सामने रखा था, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इतना बवाल होगा, अदरवाइज मैं देती ही नहीं फोन। बस सैलरी कितनी है? जगन मैं सैलरी कितनी है? कह रही है मेरी, मैं कह रही है फ्रेशर की 12,000। सीरियसली मैं वो लड़की नहीं हूँ, आपको आवाज़ में अंतर भी नज़र आया होगा। फिर जब यहाँ पे मुझे कन्विंस हो गया कि ये सही बोल रही है, मैंने कहा आप इन कामों में मत पड़ो, ये लोग ग्राहक को प्रताड़ित करते हैं, कुछ और कर लो। मैं तो कल ही लेफ्ट कर दूंगी ऑफिस से, मैं वेब डिजाइनर हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए मैं ये जॉब करने गई थी फाइनेंशियल इशू की वजह से। मैंने कहा अगर आप सही हो तो हमें उस लड़की के खिलाफ एक्शन लेने में मदद करो। मैंने आपको बोला है मैं आपकी बात करवा दूंगी, बट आपने उन प्राइवेट कर दी, सब फिर से स्टार्ट हो गया मेरे पास कॉल मैसेज करने में। लेकिन ये लोग ग्राहक को बहुत प्रताड़ित करते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ मूवी क्विक वाले। भाई मेरी तो किसी भी तरह की होती नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रही है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो, मैं आपकी बात करवा दूँगी। मैंने बोला है मैं कल जाऊँगी ऑफिस, बात करवा दूँगी सर से भी और उस लड़की से भी, फिर मैं लेफ्ट कर दूँगी। मैंने लिखा देखो जितने लोगों को देखना था देख लिया, आप मिलोगे तो डिलीट कर दूंगा। मतलब इसने बोला था कि मैं मिल लूँगी शायद कॉल पे, हाँ कॉल पे बोला था इसने। फिर मैंने कहा मैं आपकी जॉब लगवाने में मदद कर सकता हूँ, थैंक यू सो मच, बट प्लीज़ आप वीडियो डिलीट कर दो, मैं आपसे कल मिल लूँगी शाम को। मैं सॉरी फ्रॉम माई साइड कि मेरे नंबर से आपको कॉल आई, उसने बोला है। मैंने कहा ओके ये सीरियसली बहुत टॉर्चर करते हैं, मतलब यहाँ पे मैं कन्विंस हो गया था कि गलती लड़की की नहीं है। फिर इसने लिखा है मैं तो ट्रेनिंग पे चल रही हूँ खुद, मैंने तो कॉल ही नहीं किया किसी को, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं भाई मैं सुसाइड करने जा रहा था, मैं घर छोड़ने जा रहा था। फिर कह रही है मैंने लिखा मैं समझ सकता हूँ, प्लीज़ डिलीट कर दो भाई, बहन समझ के ही कर दो, मैं आपसे कब से बात कर रही हूँ, मेरे बात करने का तरीके से ही पता चल रहा होगा आपको मैं नहीं हूँ वो लड़की। और उन भाई साहब से जो बात करानी थी वो तो अलग ही टोन में बात कर रहे थे, मतलब इसने किसी से मेरी बात कराई थी। कह रही है उसकी साइड से मैं सॉरी बोलती हूँ, और वो मैं बहुत इरिटेट हो गए थे भाई, कल्स लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, मतलब हमारे जो व्यूवर हैं वो उनको गालियाँ दे रहे हैं, जबकि मेरी गलती नहीं है, जब मैंने पहली बार इतनी गंदी गालियाँ सुनी हैं। मैंने कहा वह वही जॉब करता है? नहीं, तुम्हारी सहेली तो यहीं रहती होगी? नहीं, पुश ऑन में रहती है। अच्छा तुमने उसको बताया कि तूने रायता फैला दिया? नहीं, उसके घर का नंबर नहीं है, इनकमिंग बंद है। अच्छा उसके घर का नंबर है, उस पर इनकमिंग बंद है, कल बात करूँगी मैं उससे। मैंने कहा अच्छा कल उसको पकड़वा दो। कह रही भाई पहले मैं ऑफिस तो जाऊँ। मैंने लिखा उसको बोलो उसने मेरा एड्रेस निकाल लिया था और घर आ गया, ऐसा कुछ मैं आपको अपने सर से बात करवा दूंगी, पहले आपको जो बात करनी है सर से कर देना, तुम मुझे ऑफिस का एड्रेस देना बाकी मैं देख लूँगा। हाँ मैं दे दूँगी, पहले आप वीडियो डिलीट कर दो। मैंने जवान दिया है मैं आपकी बात करवा दूँगी बोल रही हूँ, बात तो करवा देना लेकिन एड्रेस भी चाहिए, वह मना करेंगे एड्रेस के लिए लेकिन फिर भी तुम्हें देना होगा। मैं
उनको पता नहीं लगने दूंगा कि एड्रेस किसने दिया है। मैं अपने आप दे दूंगी, बट प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो, अब कोई नहीं देखेगा, डोंट वरी। प्लीज़ आप प्राइवेट मत करना, आप अनप्राइवेट मत करना। आप मुझे आपकी बात हजम नहीं हुई थी इसलिए अनप्राइवेट कर दी थी मैंने, अब हो गई हजम तो अब मत करना। मैं श्योर, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हारी सहेली की नौकरी तो भाई वो मुझे नहीं पता, बस मेरे को मेरे नंबर से मतलब है फिलहाल। मैंने कहा ये ठीक है, करी हाँ। मुझे लोग बता रहे हैं ब्रॉडकास्ट में कि भाई संभाल के जाना, भाई डॉन नहीं हूँ मैं, मेरे घर में भी भाई हैं, इज्जत करनी आती है मुझे। मैंने कहा कोई नहीं, अब कल बात करेंगे, मुझे एड्रेस दे देना, मैं आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा पक्का। नमस्ते कर दिया ये। फिर ये जॉब करने की किसने बोला? और कोई जॉब नहीं मिल रही थी। ओके, तुम के टू ब्लॉक में रहती हो? के ब्लॉक तो बांध से बहुत दूर है, मैं हेल्प कर दूंगा। फिर नॉर्मल बातें हुई, कहाँ रहती हो, कैसे रहती हो, क्यों रहती हो। फिर ये, मैं सिर्फ ट्रेनिंग पे लेती हूँ, कॉल्स मैसेज कुछ नहीं करती। मैं कहा ट्रेनिंग में गाड़ियाँ देना, टॉर्चर करना भी बताते हैं क्या? कह रही है नहीं, मैं तो पीसी पे वर्क करती हूँ। फिर नॉर्मल, भगवान ना करे ऐसा दिन दोबारा देखें। टाइपिंग स्पीड मैंने पूछा है यहाँ पे कितनी है, नॉर्मल सी बातें हैं। फिर मैंने इसको लिखा है, मैंने कहा हाँ वह तो गई, तुम खुद दो चार थप्पड़ मार देना, इसकी सहेली की बात हो रही है, बाकी हम तो देख ही लेंगे। ठीक है, सच में मारोगी? कह रही है डिपेंड ऑन सिचुएशन। मैंने कहा सीरियसली, बहुत टॉर्चर करते हैं, डायरेक्ट धमकाना, ब्लैकमेलिंग, अब्यूसिंग, कुछ नहीं छोड़ते। इनके पास ग्राहक के नंबर क्या चले जाते हैं। चलो अब सो जाओ, अगर ये बात तुम उस वक्त बता देती जब तुमने लड़के से बात कराई थी तो शायद कॉल कम आती। अगर अपनी पूछ दबी होती तो प्यार से निकलवानी पड़ती है। यहाँ मैं इसको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब इसका जो भी फ्रेंड था वो मुझे तू करके धमका रहा था, तब वहाँ पे प्यार से बात करता तो शायद मैं इसकी वीडियो तभी डिलीट कर देता या फिर आंसर प्राइवेट कर देता। भाई यहाँ नींद उड़ा के बोल रहे हो सो जाओ, वाह। मैं यह बात तो पहले बता देती, रायता ज़्यादा नहीं फैलता। मैं तो गांव की भाषा में वाह तू तू करके बोल रहा था, तुम्हें पता है, वीडियो भी डाल दी मैंने, मतलब दो वीडियो डाली हैं। कह रहा है यही लैंग्वेज है मेरी हरियाणा की। तो नॉर्मली यहाँ पे बात हुई है। फिर मैंने इसको ये भी बोला, मैंने कहा 19 तारीख को भी तुम्हारी कॉल आई है। फिर कह रही है मैंने नहीं करी यार, भाई मैं खुद ट्रेनिंग से 4th डे है। ऊपर ये बोल रही थी मैंने कल ही ज्वाइन किया, यहाँ पे 4th डे हो गया। मैंने कहा अब तो कॉल नहीं आ रही। कह रही अभी तक तो फ़िलहाल नहीं आई। थैंक यू, प्लीज़ मत करना आप वीडियो अनप्राइवेट। मैंने बोला है आपका सामना करवा दूँगी, आपका वो नंबर भेजना जिस पे कॉल आई थी। मैंने दोस्तों उसको नंबर भेजा है कि ये नंबर है सुबह। फिर उसके बाद सर आएंगे, मैंने कहा एड्रेस दो, सर आएंगे तब दूंगी। मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख ऐसे ऐसे एक को मैं टर्मिनेट करा के आया था, तो फिर इसने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, ये मेरे को टालती गई टालती गई। उसके बाद इसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया। उसके बाद दोबारा बात हुई है इसके पास ट्रू को उससे, व्हाट्सअप से वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग जो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये सोच रहे होंगे कि रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, वो डालता हूँ इसके बाद।